पब्लिक ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को। पंचदेवरी प्रखंड के गंडक कॉलोनी परिसर में संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सभी शिक्षक संगठनों के नेताओं सहित शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की और शिक्षकों ने नई शिक्षा नियमावली 2023 को धोखा करार दिया। शिक्षकों ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ पिछले 15 वर्षों से धोखा दे रही है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के समय सभी वादे पूरे करने का आश्वासन दिया जाता है और चुनाव के बाद सरकार बनते ही सरकार सारे वादे भूल जाती है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि अगर सरकार नियमावली में तुरंत संशोधन कर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं देती तो आने वाले समय में व्यापक पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षकों ने एक स्वर में जातिगत जनगणना का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस संबंध में शिक्षकों ने स्थानीय BDO मनीष कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर इसकी जानकारी भी दी। मौके पर केशव तिवारी, अजीत दुबे, राजू चौधरी, कमरे आलम, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद सैमुल्लाह, पुष्पा देवी, अनिता पाठक सहित सैकड़ों की तादाद में शिक्षक मौजूद थे। कुचायकोट प्रखंड के ईशुआपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ महोत्सव और शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। शनिवार की सुबह हाथी घोड़े और गाजेबाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 5,100 कन्याओं ने माथे पर कलश लेकर यात्रा पूरी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुबह 7 बजे से महायज्ञ स्थल पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। अधिक संख्या में पहुंची महिलाएं कलश यात्रा लेने के लिए उत्सुक दिखीं। महायज्ञ समिति द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में कलश की व्यवस्था की गई थी। विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिक विधान से कलश यात्रा रवाना हुई। गर्मी को देखते हुए जगह जगह स्वयंसेवकों द्वारा कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के पेय और शरबत आदि की व्यवस्था की गई थी। महायज्ञ स्थल से निकली कलश यात्रा विभिन्न गांवों से होते हुए सासामूसा बाणगंगा नदी के किनारे पहुंची, जहां 11 विद्वान पंडितों के देखरेख में कलश में जल भरने का कार्य पूर्ण किया गया। पुनः यहां से कलश यात्रा महायज्ञ स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। महायज्ञ से जुड़े अमरेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ महोत्सव और शतचंडी महायज्ञ में कथावाचक के रूप में परम पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य महाराज को आमंत्रित किया गया है। महायज्ञ के दौरान प्रत्येक दिन मंदिर समिति की तरफ से भंडारे की व्यवस्था होगी। यहाँ श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से 10 बजे तक प्रवचन का कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं 23 अप्रैल को पूर्णाहूत के साथ महायज्ञ की समाप्ति होगी। कलश यात्रा में अयोध्या से पधारे संत ब्रिज मोहन दास, जयप्रकाश दास, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पांडे, श्रीकांत सिंह, वीरेंद्र दुबे, विनय दुबे, योगेंद्र पांडे सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। कुचायकोट प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में नियोजित शिक्षकों ने शनिवार को धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने कहा कि वर्तमान बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के कल्याण को लेकर तमाम वादे किए गए थे। सरकार ने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को आने वाले समय में राजकर्मी का दर्जा देते हुए उन्हें स्थानांतरण, प्रमोशन आदि सुविधाओं का लाभ नए नियमावली बनाकर दिया जाएगा और उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। सरकार के इस आश्वासन पर नियोजित शिक्षक टकटकी लगाए बैठे थे। इस दौरान बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर एक नई नियमावली ला दी गई है। इस नियमावली में पूर्व से नियोजित शिक्षकों की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई है। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण, प्रमोशन तथा उनके मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर नई नियमावली में कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में नियोजित शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के तमाम संगठन ने एकजुट होकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। इस क्रम में कुचायकोट प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित नियोजित शिक्षकों ने शनिवार से प्रारंभ होने वाले जातिगत गणना कार्य को भी स्थगित करने का फैसला किया है।
प्रदेश और जिला नेतृत्व द्वारा आंदोलन को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा, इस निर्णय के साथ कुछ हाईकोर्ट के नियोजित शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे। धरने के बाद शिक्षकों ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर शक्तिनाथ तिवारी, युगल किशोर पांडे, पंकज शुक्ला, अमरेंद्र प्रधान, राजीव कुमार, विजय कुमार, सुधांशु शेखर पांडे, प्रियंका पांडे, नरगिश नाज, सुरभि राय, आलोक कुमार, छोटन राय समेत बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक मौजूद रहे। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में माझागढ़ प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने भी बीआरसी भवन पर एक दिवसीय धरना दिया तथा वीडियो को ज्ञापन सौंपा। विदित होगी शनिवार को बिहार संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में नियोजित शिक्षकों ने माझा प्रखंड के बीआरसी भवन पर एक दिवसीय धरना दिया तथा वीडियो बिड्डू कुमार राम को मांग पत्र सौंपा। अपने मांग पत्र में शिक्षकों ने कहा कि सरकार पूर्व में कही थी कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा और पूर्ण वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार आयोग के माध्यम से परीक्षा लेने की बात कर रही है, जो सरासर नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय है। सरकार जब तक इस नियमावली को वापस नहीं लेती है, तब तक संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों से कार्रवाई करते हुए 1018 बोतल शराब जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ अन्य तस्कर मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक लग्जरी कार और एक बोलेरो जब्त की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपियों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु न्यायालय में पेश किया। थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि कुचायकोट पुलिस की एक टीम शनिवार की सुबह थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे एक लग्जरी कार को रोककर पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो कार से 506 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कार सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों में समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना अंतर्गत बलहा जय नारायण गाँव निवासी संतोष कुमार भगत तथा इसी जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत आदर्श नगर भुईधारा गाँव निवासी मिथुन कुमार शामिल है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में पुलिस की गश्ती गाड़ी देख थाना क्षेत्र के बघौज मोड़ के पास एक बोलेरो सवार बोलेरो छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने बोलेरो की सघन तलाशी ली तो बोलेरो में छुपाया हुआ 512 अदद टेट्रा पैक शराब मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जो धरती माँ मानव जाति के जीवन चक्र को आगे बढ़ाती है, उसी धरती माँ को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। भोजन से लेकर जीवन का के समस्त जरूरतें धरती माँ ही पूरी करती है। ऐसे में इस धरती को हरा भरा रखने, उसे सम्मान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह विचार प्रख्यात श्रीमद भगवत कथा वाचक तीरू भाई ने कुचायकोट प्रखंड के अमुआ गाँव में चल रहे श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में पहले दिन कथा कहते हुए कही। उन्होंने कहा कि श्रीमद भगवत कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। भगवत कथा में जीवन जीने की तमाम रहस्य बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए धरती को प्रणाम करने के विभिन्न तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इससे पूर्व पहले दिन कथा प्रारंभ होने से श्रीमद भगवत ग्रंथ का पूजन तथा प्रवचन कर्ता धीरू भाई का स्वागत किया गया। इस मौके पर कृपा शंकर ओझा, रामचंद्र पांडे, राजेश पांडे, आकाश भारद्वाज, धनंजय ओझा, मणि ओझा समेत तमाम श्रद्धालु उपस्थित रहे। सिधवलिया प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र बुचिया सिधवलिया के प्रांगण में विकलांगता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों ने भाग लिया। शिविर के दौरान आंख, कान, गला, नाक तथा हड्डियों की विकलांगता की जांच की गई, जिसमें कुल 82 बच्चों की विकलांगता की जाँच हुई। विकलांगता शिविर का आयोजन शिक्षा विभाग के सौजन्य से किया गया था, जिसमें बीयू आशा कुमारी सहित अन्य कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही। मौके पर वैकुंठपुर प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर हरेंद्र कुमार सिंह, सिधवलिया चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनोवर आलम, बीसीएम अरुण कुमार, लकी सिंह, विजय राय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पोलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज, टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में, ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज।
विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां CBC पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, CCTV एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ सेंट पॉल्स स्कूल सासामुसा गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन क्लास 10 शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल थावे रोड गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर AC, फ्रिज, कूलर, LED TV और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आकर्षक ब्याज, मुक्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहां पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण, तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड पुलिस लाइन के सामने गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध, लैप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस, निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड थावे गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। सदर प्रखंड के बसडीला सरकारी विद्यालय में बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण किया गया। इस दौरान स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा के हाथों विद्यालय के सभी शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक के सहयोग से पुस्तक का वितरण किया गया। इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें सरकार द्वारा निःशुल्क दी जा रही हैं। हालांकि अभी सभी बच्चों के लिए पुस्तकें विद्यालय में नहीं पहुंच पाई हैं। प्रधानाध्यापक शाहनवाज अहमद ने बताया कि आज 168 बच्चों को पुस्तक दिया गया। अभी सरकार ने कक्षा 3, 4 और 8 के बच्चों के लिए पुस्तकें भेजी हैं, जिनको वितरित किया जा रहा है, और जैसे जैसे पुस्तकों का आवंटन विद्यालय को होगा, बच्चों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। इस विद्यालय में 600 बच्चे कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करते हैं, तो वहीं कक्षा 9 से लेकर 12 तक लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिनका नामांकन किया गया है। मुखिया जी के और हेड सर के सहयोग से उनका वितरण किया गया है, जो कि सराहनीय है। आगे जो भी बचा हुआ है बाकी बच्चों को भी हमें जल्द ही किताब उपलब्ध करवा देंगे। अभी मात्र 30 वर्ग 3, 4 एवं 8 के वस्तु के बच्चों के छात्रों के 70% बुक किताब आया हुआ है, जिसका वितरण आज मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा किया गया। बाकी बच्चों का विभाग से जैसे जैसे किताब मिलेगा वैसे वैसे वितरण कर दिया जाएगा। उत्तर माध्यमिक विद्यालय बसडीला ग्राम पंचायत बसडीला के पुस्तक वितरण आज हुआ। हम मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा और हमारे हेड सर हैं और हमारे मैडम जो इंटर और मैट्रिक का भी देख रेख करेंगे, नई नई अभी आई हुई है यहाँ पर, और वितरण किया गया। कितना होगा सर? 168 बच्चों को मात्र तीसरा, चौथा और आठवां क्लास के बच्चों का।
हर्षोल्लास के साथ ज्ञानी मोड़ स्थित जीडीएस पब्लिक स्कूल में अंबेडकर जयंती के साथ साथ वार्षिक उत्सव भी मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। मौके पर उपस्थित विद्यालय के संचालक डॉक्टर वी के सिंह, प्राचार्य आनंद कुमार शाह, द्वारिका सिंह, अनिल कुमार, रत्नेश कुमार, संगीता, अर्चना, अंजलि, राम नरेश यादव, इम्तियाज अली, एहसान उल हक आदि ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। वार्षिक परीक्षा में स्नेहल, रिधि और फैजान ने सर्वश्रेष्ठ अंक पाकर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। अरबाज, शुभम, शिवम और अब्दुल्ला ने भी अच्छे अंक पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए मुख्य अतिथि ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों, कला, गायन, वादन, खेल आदि में भी आगे बढ़ने की सलाह दी। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय निर्देशानुसार सेविकाओं ने आंगनबाड़ी पोषण क्षेत्र के लाभुकों के लिए THR राशन का वितरण किया, जिसकी जांच महिला पर्यवेक्षिकाओं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया गया। जांच के दौरान सेविकाओं के द्वारा विभागीय निर्देशानुसार THR राशन का वितरण किया जा रहा था। समाचार मिलने तक कहीं से भी कोई अनियमितता की खबर प्रकाश में नहीं आई है। माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नई नियमावली में संशोधन कर सभी शिक्षकों को राजकर्मी मानने से संबंधित अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार शिक्षकों का आर्थिक और मानसिक शोषण करने तथा बांटने का कार्य कर रही है। सरकार द्वारा जारी नियमावली शिक्षक विरोधी है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार जानबूझकर ऐसी अपूर्ण नियमावली ला रही है ताकि शिक्षक और अभ्यर्थी परेशान रहें। नियमावली अध्ययन के उपरांत ये पता चल रहा है कि नियमावली को अपूर्ण और विवादित इसलिए रखा गया है कि अभ्यर्थी तथा शिक्षक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहें और बहाली प्रक्रिया अगले चुनाव तक खींच जाए। यदि नियमावली में दिए गए प्राविधानों पर बात करें तो ये नियमावली में ये प्रावधान दिया गया है कि नियमावली के प्रभाव में आने के बाद पूर्व के नियमावली के अधीन कोई भी पद सृजित नहीं होगा। ऐसे में जिन शिक्षकों पर पुरानी नियमावली लागू होगी उनकी भविष्य में कभी पदोन्नति नहीं हो सकेगी, क्योंकि पुरानी नियमावली में ये प्राविधान है कि 50% पद प्रोन्नत से भरे जाएंगे और नई नियमावली में प्राविधान है कि पुराने नियमावली के अधीन कोई पद ही सृजित नहीं होगा। इस नाराजगी के मद्देनजर शिक्षकों ने अपनी मांग पत्र के साथ जातिगत जनगणना जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करने की बात कहते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी बिड्डू कुमार राम को संघ के कर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। मौके पर शिक्षक नेता रोशन कुमार, विनोद शाह, सौरभ कुमार, अंबु सिन्हा, सोनू अली, उमेश कुमार, जनार्दन यादव, रामदेव यादव, अली अकबर, अरविंद कुमार, रविंद्र प्रसाद, नागेंद्र प्रसाद, गोरख चौधरी सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।